तो स्वागत है मेरे कहानी ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? तो सुबह ही सुबह देख सकते हो भाई बंदर आ चुके हैं, और ये देखो सामने एक बंदर बैठा हुआ है और इधर भी काफ़ी सारे बंदर हैं। तो ये बात तो छोड़ो और बता दो मैं आज का ब्लॉग क्या खास है, कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि आज का ब्लॉग क्या है। आज के ब्लॉग में आज हम जाने वाले हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन करने के लिए। जी हाँ भाई लोग, और काफ़ी सारे सब लोग जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला। और पहली बार जा रहा हूँ मेरा जगन्नाथ टेम्पल का देखने, तो काफ़ी मज़ा आने वाला। पहली बार है तो बहुत ही अच्छी जगह है, और चारों धामों में से एक धाम है श्री जगन्नाथ टेम्पल, तो हम जाने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग को देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिएगा और सपोर्ट करना। चलो चलते हैं, कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए। सब जा रहे हैं मिलकर। और अरे एटीएम कार्ड तो धर सकत ना। चले मामा, सब तैयार हो चुका है मामा। मामा हाँ फैमिली। अब हम जा रहे हैं आज मंदिर की ओर, भगवान जगन्नाथ की मंदिर यात्रा से दर्शन करने के लिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि भगवान का अच्छा से दर्शन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हम निकल चुके हैं जाने के लिए, और सब पैदल जा रहे हैं क्योंकि इतना भी दूर नहीं है जगन्नाथ, और पैदल चलना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो श्री जगन्नाथ टेम्पल तो इतना भी दूर नहीं है, तो हम पैदल जा सकते हैं भाई लोग। तो पैदल ही जा रहे हैं, सब पैदल चल रहे हैं सब फैमिली। तो चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, बस आधा घंटा का सफ़र है, तो हम पहुँच जाएंगे जल्दी। तो 20-25 मिनट हो चुका है और हम आ चुके हैं एक पतली सी गली। तो बस तो थोड़ी दूर नहीं, बस सामने ही है, बस इस गली को हम क्रॉस कर लेंगे तो बस हम पहुंच जाएंगे श्री जगन्नाथ टेंपल। क्योंकि ये देखो सामने काफ़ी सारे होटल भी है, और काफ़ी सारे होटल लॉज और काफ़ी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी अगर आप इस रास्ते से जाते हो। तो काफ़ी लोग जो इसी रास्ते से जाते हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि इसी रास्ते से जाओ तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो ब्लॉग में देखते रहिए, ब्लॉग बने रहिए। तो सफर ख़त्म हो चुका है, और सामने ही जो हमारे श्री जगन्नाथ टेम्पल आपको दिखने को मिल रहा होगा, ये देखिए गाइस श्री जगन्नाथ पूरी टेम्पल सामने ही है। तो आपको दिखाता हूँ, देखो ठीक से दिख नहीं रहा, और आगे जाके दिखाऊंगा। तो अंदर तो जाने मिलेगा नहीं, लेकिन बाहर का सीन आपको दिखा ही सकता हूँ। तो वो देखो ठीक सामने भाई लोग, ठीक सामने हमारे। चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि भाई सबर नहीं हो रहा, अंदर जाने और देखना है मुझे कैसा है अंदर का सीन, और कैसे दर्शन करने भी है भगवान के। तो ये देखो सामने जो है प्रसाद उसाद मिल रहा है, खाजा और काफ़ी सारे प्रसाद भी मिल रहे हैं। तो ये देखो श्री जगन्नाथ टेम्पल, आपको इतना सामने से मैं दिखा पा रहा हूँ बस, क्योंकि और आगे नहीं जा सकता, जाने का है लेकिन मुझे जो है मोबाइल और अपने चप्पल को जो यहाँ सामने में रखना है। तो यहाँ सामने से ही दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि जो है अंदर मोबाइल और बेल्ट और चप्पल जो है ले जाना बिल्कुल ही मना है। बस मैं आपको जो यहीं पे दिखा पाऊँगा, लेकिन हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो यहाँ सामने जो है दुकान दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें जो अपना चप्पल मोबाइल और बेल्ट जो मैंने पहना नहीं है, लेकिन बेल्ट पहन के नहीं आया भाई, ढीला हो रहा था पैंट, तो यहाँ पे सामने में हम रख देंगे और अंदर चलते दर्शन के लिए। सबको जो है सबको देखना है कि कैसा रहता है, तो चलो जल्दी चलते हैं अंदर। तो फाइनली हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और सामान वामान अपना ले रहे हैं। तो ये देखो रात में कितना ही सुंदर दिखता है मंदिर, और अंदर से हमने देखा तो काफ़ी बड़ा था, यहाँ से आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन अंदर से मंदिर काफ़ी ही बड़ा लगता है। तो हमने श्री जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन कर लिए, और सबके लिए जो है प्रार्थना की है। तो आप मेरे सब्सक्राइबर को भी जो है अच्छे से जो है खुश रखे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ऐसे ब्लॉग लाता रहूँगा। और चलो चलते हैं, काफ़ी भूख लग रहा है, देखते हैं कुछ खाते हैं कि नहीं। तो चलो निकलते हैं।
तो अभी जो है भूख लग रहा है बोल के सबको, तो अभी डोसा खाने के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ नीचे में देखो छोटू खा रहा है डोसा, तो मेरा डोसा ऑर्डर में है और भी बन रहा है डोसा, सब खा रहे हैं डोसा। तो अभी डोसा खाएंगे फिर निकलेंगे अपने होटल के लिए। तो सब ने डोसा वोसा खा लिया है, अब जा रहे हैं अपने होटल के लिए। चलो तो अभी जो मैं आया हूँ 12 बजे जो बीच में आया हूँ, क्योंकि मामा ने कहा सब सो चुके हैं, बच्चे बच्चे सब सो चुके हैं और मामी भी सो चुकी है। तो बड़ी मम्मी और हमारे साथ जो आए थे और दो मामा हमारे, तो हम दो मामा और मामी बड़े मम्मी जो आई है, तो बीच में देखने काफ़ी अच्छा लगता है बीच में रात में आने से। जो है अभी 12 बज रहा बोल के जो आपको इतना स्टॉल देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो गाइस 5 बजे से 12 बजे के बीच में काफ़ी सारे स्टॉल जो है बीच में लग जाते हैं। तो आपको सीन भी दिखाऊंगा क्योंकि अगले दिन हम आने वाले हैं यहाँ पे, तो वो वाला भी दिखाऊंगा कि किस तरह से स्टॉल लगते हैं, तो वो भी ब्लॉग देखना। तो ये देख सकते हो क्या कलाकारी की गई है, और गणेश भगवान की जो है रेत से जो बनाया गया है, ये देखो कितना सैंड से। और यहाँ ठीक सामने जो है शंकर भगवान का भी बनाया गया, कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो मामा जो है ट्राई कर रहे हैं शंख, क्योंकि शंख लेना है घर के लिए जो है। तो देखो देखते हैं बस ट्रैक के लिए, मामा तो बजा लेते हैं लेकिन बड़ी मम्मी से ठीक से नहीं बज पाता है। तो बड़ी मम्मी ट्राई कर रही है संग बजाने का। काफ़ी अंधेरा बोल के मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको लहर दिख रहा होगा, देखिए वाइट वाइट लहर, ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा है और मेरा फ्लैश लाइट जलाने से भी नहीं होगा। तो हम आगे चल के देखने वाले कि कोई स्टॉल खुला भी है कि नहीं। तो आगे अभी जा रहे हैं, देखते हैं कोई स्टॉल अभी तक खुला है कि नहीं, क्योंकि लोग ने कहा है कि स्टॉल खुले रहता है, लेकिन जो गाइस 12 बज चुका है तो स्टॉल तो बंद हो चुका होगा, लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा क्योंकि एक भी स्टॉल तो खुला ही होगा ना होगा। तो मामा लोग आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, तो देखते हैं कौन सा स्टॉल खुला हुआ है। नहीं तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करेंगे, और ठीक है ब्लॉग को देखते रहिएगा और ब्लॉग में बने रहना। तो यहाँ सामने में एक स्टॉल खुला हुआ है देख सकते हो, और काफ़ी सारी मूर्ति है और काफ़ी चीज़ें जो है, एक ही स्टॉल खुला है, लेकिन अगले दिन हम आएंगे तो काफ़ी सारे स्टॉल खुले दिखेंगे आपको। तो ये देखो अभी शंख ले लिया है, और यहाँ डमरू देख रहे हैं मामा जो बांस की लकड़ियों से बना है। लेकिन आज का ब्लॉग इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।